गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज फाइनली डिटॉक्स डाइट शुरू करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ बहुत दिन लगाए मैंने ये डाइट शुरू करने के लिए, बट उसका भी एक रीज़न था, वो मैं आपको बता देती हूँ। बट पहले हम हमारे दिन की शुरुआत लेमन स्क्वीज्ड इन वॉर्म वाटर के साथ करते हैं। सो चीयर्स। एंड यस, एक्चुअली मैं क्या हुआ ना, आफ्टर रुजुता दिवेकर मैम्स डाइट प्लान मैं एक लेज़ी मोड में चली गई थी। पूरा मेरा रूम गंदा हो रखा था, मेरे जो अनहेल्दी हैबिट्स, जो ईटिंग हैबिट्स थे वो भी आ गए मेरे वापस, और इसलिए मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई और मैंने थोड़ा वेट भी बढ़ा लिया, इसलिए क्योंकि मेरे पीरियड्स भी आ रहे थे एंड मुझे वो सब ब्लोटिंग वगैरह हो रखा था। सो मैंने डिसाइड किया कल रात कि मैं कल से तो शुरू करने ही वाली हूँ अपना डिटॉक्स डाइट। सो पहले शुरुआत करते हैं अपने रूम से ही, क्योंकि जब भी रूम मैसी और गंदा हो रखा होता है तब आपके जो थॉट प्रोसेस और माइंड में चीज़ें भी फुल मैसी हो रखी होती है, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होता है। सो मैंने पहले वही शुरुआत की, सारा जो डस्ट था जो बेडशीट पे था गंदा, सब कुछ मैंने निकाला, बेडशीट भी निकाली एंड फिर सब क्लीन किया, न्यू बेडशीट डाली। इससे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ कि मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो भी अब क्लियर होने लगे कि मुझे क्या करना है, लाइक मैं कैसे कंट्रोल करूँ अपनी बिंज हैबिट्स और जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को, और मैं कैसे फोकस करूँ ऑन प्रॉपर एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्दी। इसके बाद सारे जो बुक्स थे जो बेड पे थे पहले, वो मैंने रख दिए अपने कबर्ड में, एंड फिर जो सब पीसी वगैरह उस पर भी डस्ट लगा हुआ था कीबोर्ड मॉनिटर पे, वो भी मैंने साफ़ किया ताकि पूरा डस्ट निकल जाए मेरी रूम से और मेरी माइंड से भी। एंड फिर लास्ट में झाड़ू लगाया पूरे रूम में ताकि रूम नीट और साफ सुथरा लगे, एंड सब कुछ हो गया। और अब चलते हैं टुवर्ड्स अ व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है संपदा नागरिकर और मैं बनाती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू माय वेट लॉस जर्नी, फिटनेस चैलेंजेस एंड व्लॉग्स। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फैट टू फैब का डिटॉक्स डाइट फॉर 3 डेज, एंड उसके बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स मैं आपको डे 3 पे दिखाऊंगी। टुडे इज़ द डे 1। सो मॉर्निंग में मैंने पिया था वॉर्म वाटर विथ सम लेमन स्क्वीज्ड, एंड अब बजे है कुछ 9:30 और मैं लेके बैठी हूँ मेरा ब्रेकफास्ट जो कि है उपमा। आज मैंने टमाटो ऑनियन और कैरेट भी ऐड किया है उपमा में, क्योंकि उन्होंने रेसिपी ऐसी दी थी कि ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करो कंपेयर टू जो आप सूजी यूज़ करते हो। सो या लेट्स टेस्ट। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आ रहा है क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और तीखा नहीं हुआ है आज, पर मुझे लगता है सॉल्ट कम पड़ गया, बट इट्स ओके क्योंकि सॉल्ट कम खाना अच्छा होता है सेहत के लिए। सो या मैं ये इंजॉय करती हूँ और फिर आपको मेरे में स्नैक टाइम मिलती हूँ। उस टाइम कोकोनट वाटर पीना है सो मुझे जाके लाना होगा, सो मैं आपको लेके चलूंगी मेरे साथ। सिया। सो गाइज, अब जाते हैं टू ड्रिंक कोकोनट वाटर। अभी कुछ 11 बज गए हैं एंड मैं मस्त गाड़ी में जाके राउंड मार के भी आऊँगी, और पनीर और कैप्सिकम भी लेना है। सो या एवरी डे तो कोकोनट वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते, बट 3 दिन के लिए तो कर ही सकते हैं। सिया लेट्स गो। सो गाइज, मैंने ले लिया कोकोनट वाटर, ये रहा। सो अब हम पीते हैं, लेट्स ड्रिंक कोकोनट वाटर। ₹40 का एक आता है और पानी अच्छा नहीं है, ये स्वीट नहीं है पानी। और मैंने गाड़ी यहाँ रोकी थी, ये है जॉगर्स पार्क जो दोनापाल में पड़ता है। सो यहाँ शाम को बच्चे आते हैं खेलने के लिए। सो दोनापाल और मीरावार बीच मेरे घर के बहुत ही नज़दीक है, बट हम ज़्यादातर आते नहीं हैं क्योंकि बहुत क्राउडेड होते हैं ये एरियाज। एंड यस, अब मैं जाऊँगी राजभवन के, यहाँ वहाँ एक बहुत अच्छा सा व्यू मिलता है, मैंने आपको दिखाया भी होगा। सो वहाँ जाते हैं और कोकोनट वाटर इंजॉय करते हैं और फिर शॉप पे चलते हैं एंड फिर घर पे। सिया। When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. So guys, shopping ho gayi aur ab main aapko ghar jaake milti hu. Abhi
दुकानदार ही बच चुका है। सो मैं करूँगी अपना लंच। सो लंच में उन्होंने कहा था इधर चना सैलड या फिर पनीर टिक्का सैलड खाओ। सो मैंने पनीर सैलड बनाया है यहाँ। मुझे सैलड इतना पसंद नहीं है, लाइक मैं एक वेजिटेबल खा सकती हूँ, लाइक कुकुम्बर या टोमेटो ऑनियन, ऐसे मिक्स करके मुझे कभी ऐसे पसंद नहीं आया है सैलड। सो लेट्स सी कि कैसे लगता है ये वाला। सो लेट्स ट्राई। सो इसमें मैंने डाला है कुकुम्बर, कैप्सिकम, टोमेटो और पनीर। ऑनियन भी डालना था पर मैंने नहीं डाला, कट करने के लिए बहुत बोर हो रहा था। सो या लेट्स टेस्ट। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी बट खा सकते हैं, लाइक मैं खा सकती हूँ तो कोई भी खा सकता है, क्योंकि बहुत क्रंची है। मैंने क्या किया, पहले जो पनीर और कैप्सिकम था उसको थोड़ा ऑयल में तवे पे रख दिया ताकि वो क्रंची बने, और फिर टोमेटो भी डाल दिया बड़े बड़े पीसेस काट के, तो उसका क्रंच अच्छा आ रहा है। एंड कुकुम्बर मैंने ऐसे डाला, सो पूरा सैलड बहुत ही क्रंची टाइप वाइब देता है, लाइक स्नैक टाइप वाइब देता है, लाइक जब आप बिस्किट कैसे चबाते हो क्रुम 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 वैसे आवाज आता है, वैसे ये लग रहा है। सो अच्छा है, मैं ये फिनिश करती हूँ। और इवनिंग के टाइम उन्होंने बोला है लेमन ग्रास टी पीने को, बट मेरे पास वो नहीं है, सो मैं नॉर्मल ग्रीन टी पीने वाली हूँ। सो हाँ, अब मैं ये इंजॉय करती हूँ और फिर आपको इवनिंग के टाइम पर मिलती हूँ। उससे पहले मुझे मॉल में भी जाना है, सो ले चलती हूँ आपको भी वहाँ। या चलो सी या। सो गाइज, मॉल का काम खत्म हो गया। मॉल में एक्चुअली मेरी फ्रेंड को एक वॉच चाहिए थी, सो वो ले ली है, और मैंने ये तीन मास्क भी खरीदे हैं। सो मिनीसो से ये मास्क खरीदे हैं, ये कुछ कोरियन जिनसेंग, ये विटामिन सी, और ये पोमोग्रेनेट का मास्क। सो लेट्स सी कैसा यूज होता है। एंड या अभी हम जाके ग्रीन टी बनाते हैं एंड पीते हैं, और उसके बाद जाके एक्सरसाइज करेंगे। सी या। हो चुकी है कुछ 9:30 बज गए हैं, और मैं मस्त नहा धो के आ गई हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने हल्दी का दूध पी लिया था एंड वही लास्ट था, उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना कुछ नहीं था। सो या अब मैं मस्त ये लगाने वाली हूँ मास्क फेस पे, जो मैं मिनीसो से लाई थी, क्योंकि इससे कुछ नरिशिंग और ब्राइटनिंग होता है। मुझे बहुत पिंपल्स भी आए हैं, सो लेट्स सी कुछ काम करता है या नहीं। ऑल्सो आज जो मैंने डिटॉक्स डाइट शुरू किया है उससे मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हुआ फुल डे में। लाइक जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी लिटरली पता चल रहा था कि बहुत एनर्जी फील हो रही थी। मैंने ज़्यादा ब्रेक्स भी नहीं लिए करते वक्त, एंड मैं शायद मेरा चश्मा कहीं तो रख के भूल गई हूँ, ढूंढना पड़ेगा अभी। ओके ओके फाइन, मैं वो ढूंढ लूँगी। सो अब मैं मस्त मास्क लगा के आराम करने वाली हूँ, भूख रीड करने वाली हूँ, उसके बाद सोने वाली हूँ। सो मैंने ये ओपन कर लिया है एंड दिस स्मेल्स रियली गुड। ये लाइक कैंडी स्मेल कर रहा है, या लाइक जो लेमन टैंग आता है ना उसकी तरह स्मेल कर रहा है, और बहुत अच्छा स्मेल है। यस, सो अब हम ट्राई करते हैं ये। तो ये व्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं आपको मेरे अगले व्लॉग में मिलती हूँ। सो तब तक के लिए बाय गाइस, सी या।